नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल मनी ट्री में। और दोस्तों, हम सभी इस वक्त जबरदस्त पैनिक सिचुएशन से पास हो रहे हैं, और ये समय केवल अगर मैं कहूँ कि धैर्य रखने का है तो इसके अलावा कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। बिकॉज अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी स्टॉक के अंदर निवेश किए बैठे हैं और वो स्टॉक भी अगर गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि गिरावट में लॉस लेना कोई समझदारी नहीं है। स्टिल होल्ड करना चाहिए पोजीशन को और मार्केट की रिकवरी का इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि स्टिल अभी किसी भी तरह की जो बुलिशनेस है उसका कोई इंडिकेशन नहीं है हालांकि, बट उम्मीद यही है कि हमें जल्दी ही कुछ ग्रीन भी देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। NBFCs में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, और आज इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम लोग। एक ऐसा ही स्टॉक NBFC से जुड़ा हुआ स्टॉक है जो कि एक अच्छा फंडामेंटल साउंड स्टॉक है, बट मैं आपको उसके बारे में इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक अच्छे स्टॉक में अगर आप सही समय पर निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। और आज हम बात कर रहे हैं HDFC के बारे में, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, ठीक है। HDFC जो बैंक है उसी ग्रुप का एक स्टॉक है, NBFC है। अच्छा साउंड फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, बट मुझे लगता है कि फिलहाल अभी स्टॉक में जल्दीबाजी में आप मत खरीदारी कीजिए। 1 नवंबर यानी कि 1 नवंबर 2018 को कंपनी नंबर पोस्ट करने जा रही है, और उसके बाद ही हमें इसकी चाल का एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा कि कहां पर है। तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि कहां पर आप उसको खरीद सकते हैं अगर आता है तो ये HDFC के साइट पे के हमने खोल रखा है, मनी कंट्रोल की साइट पे, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस एंड हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक है। HDFC इसका NSE कोड है, 500010 इसका BSE का कोड है, और ये एक NBFC की तरह काम करती है, ठीक है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसका बेसिक्स देखेंगे कि मार्केट कैपिटल वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ, तो लगभग मार्केट कैप 285,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इसकी। PE अगर हम बात करेंगे, ये अपडेटेड PE नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, इंडस्ट्री PE 18 की है। और इसके अलावा आप screener.com पे आपको लेटेस्ट PE मिलती है, स्क्रीनर पे स्टॉक की PE लगभग 29.54 है, बट इसमें भी थोड़ा सा अपडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि लगभग 22 के आसपास एट प्रेजेंट स्टॉक की PE है, क्योंकि PE जो आपकी डिवाइडेड होती है वो EPS से करंट प्राइस को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपकी PE निकल के आती है। जो भी स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है, अगर आप स्टॉक के EPS से, अर्निंग्स पर शेयर से उसको डिवाइड कर देते हैं करंट प्राइस को, तो जो निकल के आता है रेशो वो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशो आता है। तो अभी EPS लगभग 78 का है, और 78 से अगर आप डिवाइड करेंगे करंट प्राइस 1660 को, तो अप्रॉक्सीमेटली 21.5 के आसपास PE निकल के आता है, जो कि इंडस्ट्री PE के मुकाबले अभी भी ऊपर की तरफ है, यानी क्योंकि इंडस्ट्री PE 18 का है और इसका जो PE है वो 21.5 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा और कंसोलिडेशन इस स्टॉक में चलना चाहिए। अगर आप देखेंगे NBFCs को उठाकर, तो चाहे वो DHFL को देख लो, PNB हाउसिंग को देख लो, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देख लो, आप ग्रुप फाइनेंस को देख लो, आप किसी को भी देख लीजिए, आप सभी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहे हैं बिकॉज हायर PE से PE कम लाने के लिए। PE जब तक कम नहीं आएगी, कंसोलिडेट नहीं होगी, तब तक एक बुलिशनेस नहीं आ सकती। और वही कुछ अब हमें HDFC में भी देखने को मिल रहा है। लगभग 75 पॉइंट के आसपास HDFC ने फ्राइडे को गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो ये इसका जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है लगभग 171.74 करोड़, यानी कि 171.74 करोड़ शेयर्स लगभग ट्रेडेड हैं इस वक्त मार्केट में। फेस वैल्यू 2 है स्टॉक की, और सेल्स की ग्रोथ अगर लास्ट 3 ईयर्स की मानते हैं तो लगभग 8.69% की सेल ग्रोथ है। ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतर है, 95.82% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है स्टॉक का। ROCE अगर बात करें 9.65 काफ़ी शानदार है, और ROE भी 18.46 काफ़ी शानदार है। बट कहीं ना कहीं फिलहाल स्टॉक अगर हम बुक वैल्यू की बात करते तो अपनी बुक वैल्यू से लगभग 3 टाइम्स ऊपर, 3.13 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। लिटिल बिट कंसोलिडेशन की उम्मीद और है मुझको, कहाँ तक आएगा इसको मैं चार्ट के थ्रू आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। लगभग 65.98% की डिलीवरी आई है, आप देखिएगा यानी कि फ्राइडे को। हर गिरावट पर जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें इस स्टॉक के अंदर बाइंग पोजीशन को बना रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं फॉर द लॉन्ग बेस, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके साथ भी यही रहेगा कि डिप पर अगर आपको 5% की डिप मिलती है, देन आप छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदिए, रादर कुछ बड़ा निवेश करने से पहले।
यहाँ पर HDFC बैंक का हमने चार्ट खोला है और आप देख सकते हैं ये हमने वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़े सपोर्ट पर काम कर रहा है स्टॉक 1648 के, और ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है जिसको स्टॉक ने तकरीबन अगर मैं बात करूँ 28 जुलाई 2017 के बाद कभी भी इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है। यानी 1648 या 1640 की बात कर लीजिए आप, 1640 के नीचे स्टॉक ने जुलाई 17 के बाद कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया। लगभग एक साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और मार्केट में एक बड़ी वीकनेस भी आ चुकी है, बड़ी भारी गिरावट भी आ चुकी है, बट स्टिल स्टॉक जो पोजीशन को होल्ड कर रहा है वो 1640 की पोजीशन को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, 1 नवंबर को रिजल्ट है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मुझे और कोई नहीं है, बिकॉज कंसोलिडेशन होना है, थोड़ा सा हायर पी पे ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए, जो कि स्टॉक को लगभग मेरे हिसाब से तकरीबन 1380 के आसपास लेके आ सकता है। 1380 या 1400 आप लमसम मान के चलिए कि 1400 का स्तर आपको मिलेगा अगर 1640 के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है स्टॉक में। यानी कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है, 25th of October को एक्सपायरी है मार्केट की, आई थिंक 25th of October थर्सडे है, लास्ट थर्सडे है, तो एक्सपायरी का दिन है वो, और स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 1st of November को कंपनी के रिजल्ट्स भी पोस्ट होने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस को थोड़ा ड्रैग किया जाए बिफोर रिजल्ट्स, और आफ्टर रिजल्ट्स स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिले। तो अभी फ़िलहाल जब तक रिजल्ट का समय नहीं आता, आप लोग थोड़ा सा पेशेंटली देखते रहिए, वॉच करते रहिए स्टॉक के मोमेंट को, और अगर स्टॉक आपको 1400-1420 के रेंज में अगर मिल जाता है देन मुझे लगता है कि वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी इस HDFC जो NBFC है आपको उसमें ख़रीदारी के लिए। डेली चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में फ़िलहाल मुझे वीकनेस ही नज़र आती है, अभी बुलिशनेस का सिग्नल नहीं है। 1640 का एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अगर वो टूटा देन डेफिनेटली स्टॉक आपको नीचे के स्तर दिखाएगा जो कि लगभग 1319 के हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप स्टिल मेंटेन्ड है। अगर हम 10th of March की बात करते हैं तो 10th of March की जो क्लोजिंग जो ओपनिंग आया था 1378 का आया था, हाई गया था 1383.35 का हाई था, और इसमें जो लो था वो 1430 का था। यानी कि लगभग 30 रुपीज़ का जो गैप है वो स्टिल यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जो कि एक बड़ा गैप है। मैं आपको यहाँ पर एक फ्रेश हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन ये जो गैप है ये एक बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है कि स्टॉक को ये गैप फिल करना चाहिए और लगभग 1400 के लेवल के आसपास, 1380 या 1400 के लेवल के आसपास HDFC आपके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। फिलहाल एट करेंट लेवल पर मैं बाइंग का सजेशन नहीं दूंगा, कोशिश कीजिएगा आप कुछ दिन और वेट कीजिएगा, आपको 1400 के लेबल्स मिल सकते हैं, और अगर आपको मिलते हैं देन आप डेफिनेटली स्टॉक के अंदर पोजीशन को बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1800-2000 लेवल इन द नेक्स्ट 12-18 मंथ। सो ये HDFC बैंक के बारे में हमने बात की। फिलहाल तभी NBFC जबरदस्त गिरावट दिखा रहे हैं, अगला हफ्ता एक्सपायरी वीक है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी कुछ प्रेशर हमें NBFCs में देखने को मिल सकता है। बट अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल NBFCs हैं तो जैसे कि RBI ने कुछ नॉर्म्स को ईज़ किया है लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए, बैंक्स को एनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो NBFCs को कर्ज के तौर पर दिया जाए ईजी वे में, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है NBFCs में जो गिरती NBFCs हैं उनको संभालने की और उनको ऊपर लेके आने की, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा। फिलहाल पैनिक है और स्टिल अभी और कुछ दिन पैनिक रहने की मार्केट की संभावना है। निफ्टी में 10,200 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और उसके बाद 9,950 नेक्स्ट सपोर्टेबल रहेगा। अगर ये दोनों लेवल होल्ड रहते हैं तो मार्केट स्टेबल रहेगा, ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर 9950 के लेवल टूटता है तो वीकनेस आएगी मार्केट में और मार्केट में फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग HDFC बैंक के NBFC में नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सही समय पर निवेश करेंगे तो आपको सही मुनाफा मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।